देख रहे हैं केवल सच। ये जगजीवन कॉलेज में जो गया जिले के बहुत चर्चित प्रखंड कोच प्रखंड है, वहाँ चुनाव संपन्न हो गया परसों, तो आज मतगणना है। अपने कैमरामैन को हम कहेंगे दिखाइए, जरा उधर दिखाइए, तो फिर मैंने सब लोग वो हैं उपाओ और ऊपर करके दिखाइए, मतलब लगभग हजारों लाखों का भीड़ है। सारे लोग अपने अपने प्रत्याशियों के जीत के शुभकामना में बाहर खड़ा है। जो लोग जिनके प्रत्याशी जिनके जीत गए हैं उनके समर्थक में खुशी की लहर है, जो प्रत्याशी हार वो मायूस हैं। अभी देखिए, एक हम आप मैं बता रहना चाहता हूँ कि चुनाव के पूर्व हम गली गली घूम रहे थे, सर्वे कर रहे थे। सुभाष शर्मा जी हैं जो किसान के लिए काम करने वाले हैं, मजदूर के लिए काम करने वाले हैं, गरीब के लिए काम करने वाले हैं, अकेले के लिए काम करने वाले हैं। ऐसे लोग को जनता प्यार देती है और जनता इनको फिर से, ये लगभग निवर्तमान पंचायत समिति है, ये इनका दरवाजा गरीबों के लिए दिन रात खुला रहता है। आइए हम जानते हैं, सुभाष शर्मा जी आपकी पत्नी फिर से निर्वाचित की गई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत मैंने जनता का प्यार से मैं अति हूँ। जनता अपने पंचायत के जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? शुभकामना देना चाहता हूँ, हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। देखिए इनके समर्थक लोग हैं, आप लोग भी मतलब एकदम इनके खुशी में इनके साथ हैं। देखिए इनके एक समर्थक हैं, तो ये बताइए सर कि जैसे अब जो है, अब चूंकि दोहरा दायित्व आपके कंधे के ऊपर आ गया है, तो ऐसे में आप कैसे काम कीजिएगा? काम जो छूटा पड़ा है उसको कैसे आगे बढ़ाइएगा? मैंने एक प्लानिंग बनाया हूँ, महीना में चार रविवार होता है, एक रविवार हर गांव में, हर वार्ड में, जितने मेरे वार्ड है हर वार्ड में एक रविवार को समय दूंगा, और हर गरीब अमीर बच्चा नौजवान से मैं सवाल करूंगा कि भाई आप लोग को कोई भी तकलीफ है तो हमें साझा करें, मैं आपका तकलीफ को हर संभव प्रयास करूंगा कि जो मैं दूर करूं। देखिए इनके बारे में जब ये चुनाव के दरमियान जब इनका कैंपेनिंग चल रहा था, तो हम गांव-गांव घूम रहे थे, इनके समर्थक बता रहे थे कि किसान के खेत में कैसे पानी जाएगा इसके लिए चिंतित रहते हैं, मजदूर को काम कैसे मिलेगा उसके लिए चिंतित रहते हैं, और गरीब गुरबा अकेलियत का काम कैसे होगा, उसकी आवाज़ प्रशासन तक कैसे पहुंचाई जाएगी इसके लिए काम करने वाले हैं। जनता इनको अपार बहुमत के साथ दोबारा बता दे कि इनके समर्थक हैं। आप आगे, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक शर्मा है। अच्छा, ये बताइए कि जनता फिर से इनको क्या, कौन सा कारण रहा जो जनता फिर से इन पर विश्वास की है? बहुत से कारण है, एक नहरों में पानी लाते हैं, खाद दिवाते हैं, सभी को बुलाकर बंटवाते हैं, और इनके साथ बहुत सा जनता को प्यार भी है, इसलिए दोबारा इनको चुना गया। जी सर, तो आपको विश्वास है कि माने आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे? हाँ, देखिए तो ये सुभाष शर्मा जी थे जिनकी पत्नी पंचायत समिति से निर्वाचित हुई हैं, और ये किसान मजदूर के लिए काम करने वाले हैं। कैमरामैन रितेश के साथ में बाबा शिवाजी जगजीवन कॉलेज।